दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी में अभी एक भाई का और हो चुका है जो कि वाटर कैरियर से हैं, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आप सभी दोस्तों के लिए कि आप लोगों का ट्रेड टेस्ट काफ़ी अच्छा जाए, जो भी आप लोगों के डाउट हैं आप लोगों के क्लियर हो जाएं। तो इन्होंने जैसे कि अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो कि वहाँ पर आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों का ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाई हो जाए। सो दोस्तों आप लोगों को इनकी ध्यान से बहुत ज़्यादा बातों को सुनना चाहिए, जो ये मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है इनकी। तो इन भाई को आप बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखा है। सो दोस्तों चलिए अब इनका इनकी रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं और क्या है इनका एक्सपीरियंस। हेलो हेलो, हेलो, मेरी शशांक कुमार से बात हो रही है। यस सर, आपका ट्रेड टेस्ट हुआ था ग्रुप सी से वाटर कैरियर का? हाँ, अच्छा सर, कहाँ हुआ था आपका सर? तो नासिक। सर आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे जरा? हेलो हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। सर, एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आपने वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बच्चों के साथ में जो भी वहाँ पर आते हैं। हाँ सर, हाँ, तो आप अगर बताना चाहें कुछ उन लोगों को तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी, तो सर आप नासिक में गए थे, वहाँ पर मराठसा में, तो ये बताइए। हाँ सर, अच्छा, ना और सर वहाँ पर कितने दूर आपका स्टेशन से पड़ा था? स्टेशन से वही सर है, 5 4 5 किलोमीटर था, 4 5 किलोमीटर का लगभग। अच्छा। सर स्टार्टिंग से आप बताइए, जैसे जैसे आपका वहाँ से करवाया गया पूरा। वहां गया तो पहले एंट्री होने से पहले आधार कार्ड और बोले एडमिट कार्ड, आधार कार्ड दोनों डाल लीजिएगा। एंट्री आधार कार्ड एडमिट कार्ड देख के कर दिए थे अंदर। फिर अच्छा गए तो वही एक नंबर से बोल रहे थे, सीरियल नंबर के हिसाब से बोल रहे थे, आपको इतना इतना नंबर है, इसी हिसाब से बैठाते थे वो अपने हिसाब से नंबर बोल के। तो अच्छा 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 सर एंट्री कितने बजे फिर हुई थी? कितने बजे हुई थी एंट्री आपकी? एंट्री हो गई मेरी सुबह 6 बजे। अच्छा, तो सुबह 6 बजे एंट्री हो गई थी, उसके बाद में आपकी आईडी वाईडी चेक की, बैठा दिया फिर? हाँ, अच्छा, उसके अंदर बाद? गया फिर वही नंबर के हिसाब से एक देख देख नंबर देख के बोल रहे थे, हाँ इतना नंबर इसका है, नंबर बोल के बोल लगा दिए कि तू ब्लड टेस्ट भी करा दिएगा डायरेक्ट। अच्छा, सर हाँ बोलते रहिए सर। हाँ, सुबह सुबह वही 9:30 बजे लगभग मेरा हो गया था ट्रेड टेस्ट, 9:30 बजे तक। अच्छा, और सर जब आपका वहाँ पर एंट्री, आपके बैच में कितने लोगों का थे? आपके मेरे बैच में कितने लोगों का करवाया था? 14 14 लोग थे एक बैच 14 लोग थे। अच्छा सर, और जब आप किचन किचन में जब एंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पर आपसे क्या क्या करवाएगा? किचन में। जाने के बाद वो आटा लेडी मक्खी पहले 2 राउंड गए, 2 लोग 2 बार गए थे, 28 लड़के जा चुके मक्खी पहले, उन अच्छा, लोग से आटा वाटा सना लिया गया था। फिर मैं जब गया तो मेरे से बोला गया हम लोग 2 मिनट टाइम दिया गया, बोला चपाती तैयार करना है 2 मिनट में, अच्छा 2 मिनट में चपाती तैयार करना। आटा दाना ऑलरेडी रखा हुआ था। हाँ अच्छा, तो 2 मिनट में सर 1 रोटी तैयार करना होगा? अच्छा एक रोटी 2 मिनट में, बस एक रोटी बोलते ही हैं। अच्छा और सर कितना काम करवा जा रहा है एक बच्चे से वहाँ पर, बस ट्रेड टेस्ट में एक बच्चे से कितना काम करवा जा रहा है? एक बच्चे से एक काम ही लिया जा रहा है। अच्छा, एक काम, ठीक है सर। और आप जरा सर पूरा प्रोसेस बताइए एक तरफ से, है ना, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद सर क्या वहाँ प्रोसेस कंप्लीट हुआ, भी लड़कों को हम लोग को तीसरा राउंड था करा दिए थे, वही लड़का 26 26 राउंड चलना था, 500 बच्चे थे टोटल, तो अच्छा, हम लोग वही होते होते बच गया, 12 12:30 बजे रिजल्ट आ गया, तो हाँ, आया तो हम लोग को वही 37 लड़के पास हुए थे हम लोग। 35 लड़के 500 में से। अच्छा हाँ, सर, जब पास हुए फिर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए अंदर बुलाया गया, तो उसके लिए हम लोग गए अच्छा, और सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ फिर उसके बाद फोन डॉक्यूमेंट, ज्यादातर वही समस्या है लड़कों को वही कास्ट सर्टिफिकेट देने में दिक्कत हो रही है। हाँ, अच्छा सर, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे होंगे? सेंटर को मांग रहे तो एससी ओबीसी एससी वालों का। अच्छा, और सर ये जरा बताएं आप कितना पुराना सेंट्रल का मांग रहे हैं? पुराना कितना भी हो चलेगा, जो फॉर्म भरते समय जो लगाया गया अगर वही है ठीक है। ओके, अच्छा। और सर जरा मेरे पास कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा।
हाँ ये बताइए, जब वहाँ पर आप वाटर कैरियर के लिए आप गए थे ट्रेटेस्ट देने के लिए, तो आपसे जब खाना बनवा रहे थे तो उसमें आपके ड्रेस कोई मतलब देते हैं क्या पहनने के लिए, कि आपको ये कपड़ा ही पहन के ही काम करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट गए वही बाहर खड़ा खड़ा, बोले स्कूल निकाल दीजिए। स्कूल निकालने के बाद बोले पानी भरा हुआ, हाथ थोड़ा से दूर के रेडी हो जाइए, आपका नंबर। हम लोग पहले जो गए उनका कंप्लीट करा दिए, तो हम लोग रेडी रखे थे। जैसे अच्छा वो लोग अच्छा बाहर आए थे, हम लोग लगा दिए तुरंत, हम लोग गए। अच्छा अच्छा ठीक है। और सर ये जरा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, कटिंग जो करा रहे हैं वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, तो हाँ हाँ सर उसमें वेजिटेबल कटिंग में कितना टाइम दे रहे हैं एक बच्चे को? वही 2-3 मिनट दे रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं। प्याज दे दे रहे हैं, बैगन दे रहे हैं, आलू को एक सब्जी कटा रहे हैं बस, मात्र एक काट कम्प्लीट करिए बस। अच्छा एक, बस वो और देखना चाहते हैं सब्जी काट सकते हैं, कैसे काटते हैं, बस वो देखना चाहते हैं वो लोग। अच्छा सर, और सर इसमें मतलब लगभग तो पास ही हो जा रहे होंगे इस वेजिटेबल कटिंग में। नहीं सर, लगभग सब पेड़ ही हो जा रहे हैं। अच्छा हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं जब गया था तो मैं 14 लड़के, 14 लड़के मैं ओनली वन पास, मैं अकेले पास हुआ था, बाकी 13 13 फेल है सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको। हाँ सर, और 13 13 फेल है, तो खुद आप समझ लीजिए। मेरे मेरे बाद जो ग्राउंड था, मेरा फ्रेंड था, उसमें एक भी लड़के नहीं पास हुए थे। हाँ अच्छा चलिए, काफी टफ हो रहा है सर इस समय, यानी कि काफी टफ है सिस्टम ये, रोटी फूलना भी जरूरी है, रोटी जले भी ना, बहुत सिस्टम करते हैं ना सर। कोई दिक्कत हो इनका, रोटी है ना फूले तो काम खत्म, वही तो पहले। अच्छा सर। और सर अच्छा, कोई सावधानी आप बताना चाहेंगे कि क्या वहाँ पर जब जाएँ ट्रेड टेस्ट देने के लिए? सावधानी बस वही बात है, ज्यादातर लोगों से ऑमलेट बनवा रहे हैं, परेठा बनवा रहे हैं, चपाती बनवा रहे हैं, कुछ लोगों से सब्जी कटवा रहे हैं। अच्छा मगर परेठा वाला जो ऑमलेट, वो परेठा वाला सिस्टम है, ये ऑमलेट बनाते समय जो ऑमलेट पलटना है तो फटे ना, बस टूटना अच्छा टूटना नहीं चाहिए। चाहिए। और उसमें जो टमाटर ना यूज करें, प्याज है, मिर्चा है, बस यही यूज करें बस। बहुत लड़के टमाटर यूज कर दे रहे हैं, टमाटर अच्छा रहता है, काट डाल देते हैं उसमें। अच्छा सर, ये सर आपने एक नई चीज़ बढ़िया बताई है आपने, कि टमाटर नहीं यूज़ करना है। टमाटर जो परेठा बनाना है, परेठा 3 कोण वाला बनाना है, गोला वाला परेठा नहीं तैयार करना है। परेठा बोलेंगे तेल तेल से यूज करना है, अच्छा सर, 3 कोने का पराठा बनाना है, गोल वाला नहीं बनाना है? नहीं 3 कोण वाला परेठा घर में बनता नहीं, वो 3 कोण हाँ वाला बना के देते हैं स्कूल स्कूल जाते समय, वही बनाना है वहां भी। हाँ ओके सर। और सर इसके बाद में कितने कैंडिडेट आपसे पास हुए थे? 37 हुए थे। हाँ ओके सर। और सर ये सब्जी कौन सी बनवा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि कटिंग के बाद में बनवाते भी होंगे? केवल नहीं बनवाते हैं, वो भिंडी पकवाते हैं, पकवाते हैं बस सर। भिंडी? हाँ वही भिंडी पकवाने के लिए देते हैं, उसमें लड़के को ऐसे पानी डाल देते हैं, काफी लड़के, वो पानी नहीं यूज करना उसमें। हाँ सर, चलिए ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। क्योंकि क्या है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा YouTube चैनल पर कमेंट्स आ रहे हैं थे कि सर कैसे क्या प्रोसेस हो रही है, आप जरा किसी ऐसे कैंडिडेट का बताएं जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, मतलब शेयर कर सकें वो। तो सर और ये जरा बताइए, ट्रेड सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? नहीं वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। अच्छा सर। और सर आप जरा ये बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वहाँ पर, एक लिस्ट की तरह से। डॉक्यूमेंट वही हाई स्कूल की मार्कशीट मांग रहे हैं, 10th से, हाई स्कूल इंटर की, आय है, जात है, और सेंट्रल वाला सेंट्रल जाति है। अच्छा सर, आधार कार्ड वही बाहर देख ले रहे हैं, फिर अंदर फोटो कॉपी उसका मांगते नहीं है, बाकी दो फोटो मांगते बस। अच्छा सर, और ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे यानी के? ओके नहीं वो ट्रेड सारे से नहीं मांगे। सर। और सर और भी सर आप अगर अपना तरफ से बताना चाहें बच्चों को, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा सा मतलब वो हो सके वहाँ पर जाएं जब ट्रेड टेस्ट देने के लिए, तो उनको किसी तरह की हेजिटेशन ना फील हो, आप अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहें। मैं ये बताना चाहूँगा, किसी को चपाती बनाने के लिए बोला जाता है तो वहां जो चिमटा लोहे वाला रखे हुए हैं अच्छा उसको मत यूज करें, उसको यूज करेंगे तो रोटी ऑटोमेटिक फूलेगी नहीं, फिर वो कट जाएगी कहीं से, जैसे रखा हुआ है उसको उठाए लड़के उसको कलर देते हैं तो रोटी ऑटोमेटिक कट जाती है। अच्छा सर, अगर उसका यूज किया रोटी ऑलरेडी फूलेगी नहीं, वो दब जाएगी या फिर कट जाएगी, ये सिस्टम है वो चिमटे में। रोटी ज्यादातर हाथ से सेकने का प्रयास करें, जाली रख के। चलिए सर ये भी आपने बहुत बढ़िया बात बताई। और सर किस पे रोटी फुलाना है सर? जाली रोटी किस पे रख के फुलाना है? है, जाली गैस है, भट्टी वाली गैस, जो गैस है गैस को चिल्लों से खोलना है, एकदम अच्छा आराम से खोलना, गैस ज्यादा तेज आवाज ना करे, नहीं ऑलरेडी वहीं भी फेल कर देंगे, वहीं देख के वो बोलेंगे नहीं, लेकिन वहीं से तो फेल कर देंगे कंफर्म है। हाँ अच्छा सर, ये भी है। गैस ज्यादा तेज नहीं खुलनी चाहिए, आराम से खुल, गैस आराम जलना चाहिए, उनको लगे ना गैस ज्यादा तेज जली है। अच्छा सर, और जाली पे रख के फुलाना है ना? हाँ दो तीन को हाथ से ही फिलहाल लगा रहे, थोड़ा दिक्कत होगी हाथ जलने को, थोड़ा डर है लेकिन जलेंगे नहीं, अगर धीरे से लड़के जाली
लटा यहाँ देख लें, तो फेंक के पूरा तुरंत रख दें, तुरंत देख लेंगे बस काम हो जाएगा। अच्छा सर। और इसके बाद में सर, जैसे रोटी मैंने पक गई और सही से बन गई सब कुछ, तो उसके बाद में क्या करवा रहे हैं? उसका कुछ नहीं जा रहा, बोले ठीक है आप जाइए बैठा लेंगे ले जाके, तो वो वही रिजल्ट सब का कंप्लीट होने बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट लाके देंगे। अच्छा। और सर, जैसा कि मुझे पता चला है कि वहाँ पर डीआईजी सर या फिर कोई ऐसे ही ऑफिसर आते हैं, वो चेक करते हैं उसको। हाँ डीआईजी रहते हैं उसमें, दो तीन रहते हैं सर, तीन उन रहे मेरे में, एक यूपी से थे, हाँ। एक तो महाराष्ट्र से, एक मध्य प्रदेश से, तीन अधिकारी थे उसमें, तीनों चेक किए मेरे में। अच्छा सर। और सर, आप अगर बताना चाहें कुछ ऐसी। तो सर फिलहाल तो कुछ वैसा नहीं है, बेकार ही इतना सब मेरे साथ हुआ। ओके सर। और सर, आपकी जो बाद वाली बैच आई थी, हाँ उनसे उनसे सर क्या करवाया गया उनसे भी यही चपाती बनवाई गई थी। था? अच्छा, मतलब मैक्सिमम लोगों से यही रोटियां बनवाई जा रही हैं। 80-90% लोगों से चपाती पकवाई जा रही है। हाँ अच्छा सर। और सर, मतलब यही रोटी हो गई। अच्छा, कोई मेन इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी का बताया जा रहा था कि वहाँ पर नॉनवेज बनाना पड़ सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉन वेज बनाने की कोशिश नहीं हुआ। अच्छा सर। तो सर, एट द एंड अगर आप कुछ और बताना चाहें लास्ट में, तो आप बता सकते हैं अपने भाइयों को, आप लोगों की वीडियो को। मैं भाई साहब सबको यही कहूंगा कि जाके आराम से धैर्य रख के आराम से बनाए, वो सब सफल होंगे, मगर ज्यादा प्रेशर न ले, रोटी सेकते समय वो ध्यान दे, परेठा बनाए तो वही, मैं क्या बताऊँ सर उसके लिए, आप ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके सर, थैंक यू।